उधर दादा ना गए के दिखा सब चैनल आरएम्स कॉर्नर। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो देखते देखते मेरे जाने का दिन आ गया है, तो कल हम लोग निकल रहे हैं, पापा मैं और बाबू। पापा जा रहे हैं हमें छोड़ने, पापा फिर वापस आ जाएंगे एक दो दिन में ही। और अभी बस आज का ब्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में अभी मतलब चाउमिन खाने का सबका मन है, तो चाउमिन बन रहा है। और चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप ये ब्लॉग आपको बहुत 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 पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी बोनू आने वाली है, तो बोनू एक बार मिलके चली जाएगी, फिर मतलब शाम को चली जाएगी। अभी आएगी शाम को चली जाएगी, बिकॉज़ कुछ मतलब पार्टी वगैरह है वहाँ पे, शादी है, तो इसलिए वो चली जाएगी। और मैं कल सुबह सुबह मॉर्निंग पे ही निकल जाऊँगी, तो मे बी ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रहे, बिकॉज़ पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है, आई थिंक हम लोग को 6 बजे निकल जाना पड़ेगा, तो 7:45 तक आई थिंक ट्रेन है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी से सुबह निकलना है। सुबह जल्दी उठना भी है, तो इसलिए रात को हो सकता है जल्दी से सो जाए हम लोग जैसे भी है, तो आप देखोगे आगे ब्लॉग में। तो चलिए फिलहाल फटाफट से चाउमीन बना लेते हैं, फिर बोनू आएगी तो वो भी, उसको भी चाउमीन बहुत पसंद है, तो वो भी हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट कर लेगी। कहाँ है बोनू मासी? छोड़ा है, आ गई। चाउमीन तेरा फेवरेट, बना रही। अब बस अब बोनू मासी का पीछा पकड़ ले, छोड़ना नहीं, पकड़ ले पकड़ ले, जा पकड़ ले, पीछा पकड़ ले। छुचू मासी कितना वो की, छुचू मासी कितना टॉर्चर की बता दो। मैं मारा हूँ, कैसे लग रहा है सब? अच्छा लग रहा है, पर इतने में हो गया क्या? कुछ और खाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी लंच हो गया, हम लोग अभी सोने का टाइम है। सोने का टाइम नहीं, बस थोड़ा आराम कर रहे हैं। साड़ी पहनना है अभी, और बुनू अभी चली जाएगी, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा की ऐसे 10-15 मिनट पता नहीं, उसके पिया जी आएंगे उसको लेने। पागल है बुनू, चली पिया के घर। ऐसे नहीं बोलते बाबू, बाबू सुनना, बाबू सुनना ना। दीदी बुनू के फोन से बंद नहीं, नहीं नहीं, तो बुनू मासी आज रहने वाली है बाबू के साथ, और बाबू कल जाने वाला है बुनू मासी को छोड़ के मालेगांव, है ना? मेरे को छोड़ के चलेगा? तो बुनू मासी रो रो, बुनू मासी मैं क्यों छोड़ के जाता है, बाबू क्यों छोड़ के जाता है। सुपर डुपर एक्साइटेड। तो बुनू अभी चली जाएगी, और मिलने के लिए आई थी, मिलने के लिए आई थी, तो डॉक्टर में सो भी आएंगे बाबू के, और बुनू मासी को लेके चले जाएंगे। मामा कब लेके जाएंगे? और बाबू जाएगा कल ट्रेन में, सुबह सुबह हमारी ट्रेन है, तो हमको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। कल फुके फुके। कल जाना है, कल जाना है हमें, तो ये हमारा लास्ट मेमोरी होने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट एक साथ सच में मेमोरी काफी यादगार रही है। आ गए डॉक्टर मिस, आ गए जा, टोटा बोले, टोटा बोले, आ बता दी टोटा बोले, खोले खोले, हाँ बंदूक ले जा ले जा।
দাদা ভরে দিয়েছে, গুলি ভরে দিয়েছে। ওদের দাদা নাকে লাগবে। ডক্টর মেসে এলো, যা দেখবি, যা বাইরে দেখবি, যা দেখবি, যা বাইরে দেখবি, যা तो अभी हम फिर से मालेगांव आ चुके हैं और ये वो क्लिप है जब पापा जा रहे हैं और यहाँ बाबू बहुत रो रहा था। तब से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी बिकॉज हमने घर शिफ्ट किया है। यस, वेलकम बैक अगेन। यस, वेलकम बैक टू मालेगांव। और करीबन एक महीने होने जा रहा है मैं मालेगांव में आ गई हूँ, बट ब्लॉग अपना शूट नहीं कर रही हूँ कोई भी, बिकॉज शादी के इतने सारे पेंडिंग ब्लॉग थे जो अभी भी आपको दिख रहे होंगे, आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, काफ़ी हड़बड़ी में हूँ। सो या आज है 26th of January। यस, आज है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे से फिर से अपना ब्लॉग का नया शुरुआत में कर रही हूँ, मतलब जो एक महीने का मैंने गैप लिया था उस गैप को तोड़ते हुए मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं जो आपने इससे पहले क्लिप देखा, मैं बिलासपुर में थी अपने मम्मी के यहाँ, तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो उसके बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। उसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि हमने अपना घर शिफ्ट किया है। यस, फ्लैट शिफ्ट किया है, तो ये हमारा नया फ्लैट, मैं जहाँ पे शूट कर रही हूँ नया फ्लैट में ही शूट कर रही हूँ। और एक महीने का इसलिए गैप लिया मैंने बिकॉज बहुत सारे वेडिंग के वीडियोस थे, घर शिफ्ट करना था, पापा आए थे मुझे छोड़ने, और घर शिफ्ट में इतना ज़्यादा मतलब सब घर ठीक ठाक से सेट करने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैंने गैप भी लिया था। सो या आज है 26th of January, रिपब्लिक डे। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन बस खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। चलिए फिर आज ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। होप ये ब्लॉग आपको बहुत 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 पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज रिपब्लिक डे के ओकेशन पे जो ब्रेकफास्ट है वो फरमाइश आई है टिक्की, क्या आलू टिक्की की, तो बस मैं वही बना रही हूँ। आलू बॉयल हो चुका है और आलू को बस मैश कर दी, उसमें कुछ कुछ मसाले डाल के फटाफट टिक्की करूँगी और उसको आज हम सर्व करेंगे चीज़ी पनीर डिप के साथ, जो कि रेडीमेड मेरे फ्रीजर पे रखा हुआ है। और आज हम लोग हो सकता थोड़ा बाहर जाए। और यह आज मैं स्कूटी भी क्लास लगाई हूँ मैं, बहुत 5-6 दिन हो गए क्लास लगाए, मुझे स्कूटी नहीं आती इसलिए स्कूटी भी सीख रही हूँ, तो जिससे कि मेरे लिए अच्छा होगा। तो बस स्कूटी क्लास भी लगा दी हूँ, तो वो मैं वैसे तो मॉर्निंग में जाती हूँ बट आज मैं जाऊँगी लंच के बाद, बिकॉज मॉर्निंग बहुत ठंड है मालेगांव में, पता नहीं क्या हो गई, बहुत ठंड पड़ गई है कुछ दिनों से। हाँ, इस साल मतलब रिकॉर्ड तोड़ ठंडी पड़ी है जिसे कहते हैं, 4 साल में ऐसी ठंडी नहीं पड़ी, मैं 4 साल से हूँ यहाँ पर, तो इसलिए चलिए अभी फटाफट से, बहुत भूख लग रही होगी सबको, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, देन मुझे खाना बनाना है, स्कूटी क्लास करना है एंड थोड़ा बाहर जाएंगे फॉर अ चेंज, क्योंकि आज पता है इंडियन एनेक्स यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। यस, 26 जनवरी का 20% डिस्काउंट ऑन फ्रेश स्टॉक, तो लेट्स सी क्या मिलता है मुझे, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो फटाफट पहले मैं जाती हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और मैं बताती हूँ कि आलू टिक्की कैसे बनी है और रिव्यू भी लेते हैं बाबू से और हबी से। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ये रेडी हो रहा है आलू टिक्की, तो ये आलू टिक्की यहाँ पे रेडी हो रहा है और बाकी जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये है अमूल का चीज़ स्प्रेड, तो इसके साथ ही ये टिक्की सर्व होगा और बाकी बाबू के लिए सॉस रहेगा, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है और फीडबैक लेके भी बताएंगे कैसा सबको पसंद आता है कि नहीं। और यहाँ पर ना बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, यहाँ पर बाबू इज़ सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टिक्की। हाँ, हो चलो चलो खाएंगे। हाँ, तो चीज़ स्प्रेड को ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ टेक्सचर है और जस्ट सी कैसा होता है। वैसे ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत कुछ नया नया हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख दिए हैं, ऊपर तो से बहुत क्रिस्प हुए हैं। और उधर इधर बाबू जो है वो अपना इन्जॉय कर रहा है आलू टिक्के विथ सॉस।
सो ये रेडी हो चुका है आलू टिक्की, और ये मैं बताती हूँ कि कितनी क्रिस्प है। इसका आप साउंड भी सुनोगे तो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इसकी क्रिस्प, ये काफ़ी क्रिस्प है। तो इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो कमेंट डाउन करके बताइए। ये रेडी हो चुका है और ये भी रेडी है साथ साथ, हट। तो चलो अभी टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है, स्टार्ट करो और रिव्यू दो। बस साउंड वाला रिव्यू नहीं। मजा आया। चलो मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है आखिरकार ये। तो उसको स्प्रेड होने में टाइम लग रहा है। अच्छा है। तो फटाफट से हम फिनिश कर लेते हैं, फिर लंच की तैयारी करनी है और थोड़ा बाहर भी जाना है तो भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। फिलहाल अभी लंच कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं बोल रही हूँ, फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का लंच वगैरह हो गया है और मेरा जो स्कूटी क्लासेस था वो भी हो गया है, तो मैं स्कूटी क्लास करके आ गई हूँ और बस थोड़ा रेडी हो गए हैं। हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं आज क्या सेल है। आज इंडियन एनेक्स, मतलब इंडियन एनेक्स किड सेक्शन, मेन सेक्शन, हर जगह 20% ऑफ है ऑन फ्रेश स्टॉक ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो चलिए 26 जनवरी की सेल देखते हैं और क्या क्या लेते हैं वो आपको पता चल ही जाएगा, बाद में शो कर दूंगी। तो फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं और सब बाबू उधर सब हैं नीचे वेट करेंगे मेरा, ये तो भाग जाएंगे मुझे छोड़ के। तो फटाफट मैं चलती हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चौपाटी में और हम लोग गए थे इंडियन एनेक्स पे। इन्होंने बहुत शॉपिंग की है और बहुत कुछ खरीदा है तो घर पे जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे बाबू गया है, ये देखिए एक बच्ची पे स्कूटी सीख रही है। ऐसा मत बोलो, मैं भी स्कूटी सीख ही रही हूँ। तो कल हमारी स्कूटी भी आ जाएगी, मोस्ट आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो उसका भी ब्लॉग कल या फिर संडे, कल या फ्राइडे, कल फ्राइडे है क्या? नहीं कल थर्सडे, कल या फिर फ्राइडे, कल या परसों, कल या परसों तक स्कूटी पक्का आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी मे बी। तो फिर उसका भी ब्लॉग में जरूर शेयर करूँगी। एंड अभी हम लोग आए हैं चौपाटी में बहुत दिन बाद, मतलब आई थिंक लास्ट पापा के साथ आए थे आपके, मैं तो आई नहीं हूँ, आई थी नहीं, मैं नहीं आई हूँ। अब बाबू और बाबू वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहा है वहाँ पे, हाँ वो चला गया है, कार चला रहा है। और अभी पता नहीं क्या खाएंगे, कुछ ना कुछ खा के जाएंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं चौपाटी में। और आई थिंक इससे अच्छा चलाती हूँ मैं। तो आज के स्कूटी क्लास बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन क्या क्या शॉपिंग किए हैं वो ज़रूर दिखाने वाले हैं आपसे। और ज़्यादा कुछ लिए नहीं, 3-4 चीज़ें ही बस लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं। बट हाँ, किड्स सेक्शन में अगर आप, मतलब इंडियन एनेक्स में जो किड्स सेक्शन है उसके रेट मेरे को काफ़ी हाई लगे कंपेयर देन हमारे उधर के छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ के रेट मुझे किड्स सेक्शन के हाई लगे, बाकी मेन सेक्शन के में बहुत अच्छे रेट थे और डिस्काउंट भी अच्छा था। तो वहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है। बाबू के लिए लिया है कुछ नहीं लिया, नहीं बाबू को, हाँ बाबू को इसलिए कुछ नहीं लिया क्योंकि रेट बहुत हाई फाई थे, इतना कुछ मतलब खास में लगा भी नहीं, इसलिए उसको गाड़ी चला दे रहे हैं। और जो भी खाने के बाद पारस जाए बाबू को मे बी, तो जैसा भी होगा ब्लॉग में आप देखोगे। तो चलो फिलहाल बाबू आ गया है और खाने का ऑर्डर देते हैं और देखते हैं क्या क्या। तो ये बाबू यहाँ पे आ रहा है और उसका एक्सप्रेशन मतलब एकदम प्रीशियस टाइप का रहता है, इतना स्माइल करता है लड़का। ये आ गया मेरा बाबू। अरे 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 रुको 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 बाबू रुको रुको, वेट करो गाड़ी रुकेगी, चलो चलो। अभी हम लोग दही पूरी का ऑर्डर दिए हैं और बाबू भी आ गया। बाबू कैसा लगा इतने दिन बाद गाड़ी चला के? तो अभी दही पूरी का ऑर्डर दिया गया है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं।
तो बस दही पूरी आने वाली है, तो अभी दही पूरी आने वाली है बाबू की फेवरेट, उसके बाद मैं चाइनीज खाने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट। मम्मा मम्मा उससे कब हुआ था? तो ये आ गई हमारी दही पूरी और बाबू खाएगा अब, है ना बाबू का राइट नंबर 2। अलाहाबाद में तो रो रो के दिमाग खराब था यार। छोटा था ना। अरे वो बहुत डेंजर था यार। हाँ बहुत डर लग रहा था। तो मैं आपको शो कर रही हूँ कि हम क्या क्या लाए हैं शॉपिंग करके। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बिनी कहते हैं। यस, आप में से बहुतों को पता होगा, तो इसे बिनी कहते हैं। ये कुछ ऐसे लंबा कैप टाइप का रहता है, तो इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस टाइप का रहता है, कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी पसंद आया और ये बहुत गर्म भी करता है। तो ये एक लाए हैं बिनी, तो ये बिनी खरीद के लाए हैं। जैसे मैं स्कूटी सीख रही हूँ, तो चांसेस है कि कुछ दिनों में मैं बाबू को लेके स्कूल छोड़ने जाऊँ। थोड़ा डर तो लगता है शुरू में, बट फिर भी हो सकता है बाबू को और हबी को दोनों पीछे बैठा के मे भी। तो इसके लिए मैंने ग्लव्स लिया है, ये विंटर के ग्लव्स हैं। देन एक टी शर्ट लिया है मेरे हस्बैंड ने, और वो टी शर्ट है कुछ इस तरह का। आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा कलर है इसका। इस पर लाइट दिख रहा है, थोड़ा डार्क है। तो ये टी शर्ट एक लिया है, एंड एक मैंने टी शर्ट लिया है, बट ये या मेंस का टी शर्ट है, बट मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। क्या फ़र्क पड़ता है? तो सुबह जो एक्सरसाइज वगैरह होती है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो उसके लिए मैंने ये टी शर्ट लिया है। एक्चुअली एक गाजरी कलर का टी शर्ट है, या गाजरी कलर है ये, इसमें रेड दिख रहा है बट ये गाजरी कलर है। तो ये मैंने ये एक टी शर्ट लिया है अपने लिए, और टी शर्ट में लिखा है अंडर आर्मर। यस। तो और लास्ट मैंने लिया है, ये मैंने नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने लिया है, इस टाइप का ये जैकेट है। इस टाइप का ये स्लीव्स है यहाँ पे, और इस फ्रंट में चेन है, फ्रंट में ये चेन है, ये पूरा ओपन हो जाता है। तो इस टाइप का उन्होंने लिया है ये जैकेट, तो काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा हटके भी था, तो मैंने बोला कि क्यों ना आप इसे ट्राई करो। तो बस मैंने यही लिया है, बाबू के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज बाबू के ऑलरेडी इतने कपड़े मिले हैं, और सही बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं उसके लिए मोटे जो पैंट्स रहते हैं वो मैं देख रही थी, लोअर में जो मोटे वाले रहते हैं ठंडी ना लगे, बट वो था ही नहीं। आई डोंट नो यहाँ के लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, जो भी है मुझे नहीं मिला वो, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और मेरा भी टी शर्ट लेने का कोई मूड नहीं था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले लो, क्योंकि एक्सरसाइज में स्वेटिंग बहुत होती है, और कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं तो स्वेटिंग मतलब ऐसा भीग जाता है। इस टाइप के जो टी शर्ट्स रहते हैं ना, ये भीगते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं। और हम फटाफट घर आ गए, बिकॉज शाम हो गया था और मैंने संध्या पूजन भी नहीं किया था, तो इसलिए मैं फटाफट से घर आ गई। तो या दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडेज वीडियो। सो होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं। और या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है माई स्कूटी, यस मेरी लाइफ की पहली स्कूटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट, बाय।